हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी। ये व्रत में भी खाई जाती है और ऐसे भी नाश्ते में हम इसको खा सकते हैं। तो साबूदाना भिगवाने के लिए सबसे पहले उसको 2 से 3 बार अच्छे पानी से वॉश करना चाहिए। उसके बाद जितना क्वांटिटी आपने साबूदाना लिया है उतना ही पानी या उससे 3-4 छोटी चम्मच पानी कम ही डालिए। और ये मैंने साबूदाना भिगा रखा है, 5 से 6 घंटे आप साबूदाना भिगाइए। तो अब साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं। मैंने पैन चढ़ा दिया है, इसमें 1/2 चम्मच तेल डाला है, आप इसे घी में भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच जीरा मैंने डाला है। इसके बाद मैं 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल रही हूँ। अब इसमें मैं 1/2 उबला हुआ क्यूब किया हुआ आलू डालूंगी। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए फ्राई कीजिए लो फ्लेम में। अब इसमें हम 1/2 छोटा टमाटर सी निकाला हुआ डाल देंगे। अब मैंने साबूदाने में 1 छोटी चम्मच काली मिर्ची और 1 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है। आप स्वादानुसार दोनों नमक और मिर्ची डाल सकते हैं। अब मैं ये इसमें डाल रही हूँ और इसे स्टर कर लीजिए। देखिए कितने खिले खिले हमारे साबूदाने हैं। थोड़ा हम इन्हें और पकाएंगे, थोड़ा सा साबूदाने का रंग चेंज होना शुरू हुआ है। थोड़ी देर अब हमें और रखेंगे। देखिए साबूदाना हमारे अच्छे से पक गए हैं, कलर भी इनका चेंज हो गया है, ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह हो गए हैं। अब हम इसे धनिया से गार्निश करेंगे। गैस में बंद कर दे रही हूँ। देखिए कितनी खिले खिले साबूदाने की खिचड़ी बनी है। अब हम इसे फ्राइड पीनट से गार्निश कर देते हैं और आप इसे एंजॉय करिए। I hope you like this recipe. Please do like, share and subscribe my channel, Indian Kitchen Cook with the Best.